हाय गाइस, मेरा नाम है दीप्तनु। आप सभी देख रहे हो मेरी चैनल दीप्तनुशील को। तो स्वागत है आप सभी का फेसबुक पेज का एबीसीडी शो का 40th एपिसोड पे। दोस्तों, लास्ट एपिसोड पे भी आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछा कमेंट सेक्शन पे, जहां से मैंने आज के एपिसोड के लिए बेस्ट 5 क्वेश्चन को पिक किया। तो बिना कि आपको बोर, चलिए शुरू करते हैं फेसबुक पेज का एबीसीडी शो का 14th एपिसोड को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आया है कि सर, अचानक से हमारा जो पेज फॉलोअर है वो डिक्रीज होना शुरू हुआ। पहले मेरा 7K फॉलोअर था, अब अचानक से 0 फॉलोअर शो हो रहा है। सर, पहले मेरा 293 फॉलोअर था, अब अचानक से मेरा 1 या 2 फॉलोअर ही शो कर रहा है, और हर घंटे में ये फॉलोअर जो है इंटरचेंज होता है, कभी 0, कभी 7K, कभी 1, कभी 293, ऐसा शो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? तो दोस्त, यहां पे मैं बोलना चाहता हूं, ये दरअसल फेसबुक का एक बग है, एक ग्लिच है, वो थोड़ी दिनों के बाद ठीक हो जाएगा अपने आप। तो इसके लेके आप लोग टेंशन मत करो। अगर फिर भी आपके मन में कोई शंका है, तो सबसे पहले आपके पेज का जो भी फॉलोअर है, जो भी ऑडियंस है, जो जिसको आप जानते पहचानते हो, उन लोगों को पूछो कि उन लोगों के आईडी से आपके पेज को चेक करने के लिए और उनको कितना फॉलोअर देख रहा है वो आप पूछ लेना। अगर उससे आपका मैच हो जाता है तब तो आपका इशू ठीक है, वो कोई इशू नहीं है, बग है, ये आप पूरा 100% श्योर हो सकते हो। और एज ए क्रिएटर आप जो कर सकते हो, सबसे पहले आपका जो ब्राउजर हिस्ट्री है आपके ब्राउजर का, वो सारे डिलीट करो, और उसके बाद आप लॉग इन करो आपके फेसबुक को। अगर कोई ऐप से फेसबुक को चला रहे हो तो उस ऐप्स को सबसे पहले अनइंस्टॉल करो, फिर से इंस्टॉल करो और फिर ओपन करो उस पे आपका फेसबुक को। तो आशा करता हूं आपको करेक्ट फॉलोअर देखने के लिए मिल जाएगा, और बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करो। ये जो ग्लिच है, ये जो बग है, वो थोड़ी दिनों पे ठीक हो जाएगा। बहुत सारे जनों के साथ हो रहा है, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, हर वीडियो को मैन्युअली मोनेटाइज करना पड़ता है या फिर ऑटोमेटिकली मोनेटाइज हो जाता है? तो दोस्त, यहां पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप जैसे इन स्ट्रीम एड से आपके पेज को मोनेटाइज करोगे, उसी दौरान एक ऑप्शन आता है कि लास्ट 30 डेज के वीडियो पे आप चाहो तो एट ए टाइम एड ब्रेक लगा सकते हो। अगर आप उस चेक को क्लिक कर लोगे और आप इसको अप्लाई करोगे इन स्ट्रीम एड के टाइम पे मोनेटाइजेशन करते हुए, तो आपके लास्ट 30 डेज के वीडियो पे ऑटोमेटिकली एड ब्रेक के लिए रिव्यू पे चला जाएगा, और जो भी मोनेटाइज होगा ऑटोमेटिकली मोनेटाइज हो जाएगा। मगर उस 30 दिन को छोड़ के जो आने वाले टाइम पे आप वीडियो डालोगे, या फिर उस 30 डेज को छोड़ के जो पिछले के वीडियो थे, उन पे आपको मैन्युअली जाके एड ब्रेक लगाना पड़ेगा, और हर एक वीडियो पे लगाना पड़ता है, ऑटोमेटिकली नहीं लगेगा। तो इसके लिए कैसे लगाना है एड ब्रेक, इसके ऊपर पे डिटेलिंग में वीडियो है चैनल पे, अगर आप एक बार देख लोगे तो आप भी मैन्युअली एड ब्रेक को लगा पाओगे अपने इनस्ट्रीम मोनेटाइजेशन होने के बाद। तो आशा करता हूँ इससे आपका जो आंसर है पूरा क्लीन तरीके से मिल गया है। अगर ये आंसर हेल्पफुल रहा है तो इसी बात पे वीडियो को लाइक भी कर देना। अब बताओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आया है, इफ आई बूस्ट वन वीडियो इट ए प्रॉब्लम फॉर गेटिंग मोनेटाइजेशन इन फेसबुक? मतलब ये पूछना चाह रहा है इन्होंने कि अगर मैं मेरे वीडियोस को बूस्ट करता हूँ, कोई भी वीडियो को बूस्ट करता हूँ, तो आने वाले टाइम पे ये मोनेटाइजेशन पे कोई इशू होगा? तो इस क्वेश्चन का अगर एक वर्ड पे आंसर दूँ, बिल्कुल नहीं होगा। मोनेटाइजेशन पे कोई दिक्कत नहीं है बूस्ट करने से, मोनेटाइजेशन होने पे, मगर बूस्ट करने से जो इशू होता है, दिक्कत होगा आपको, वो है कि आपके पेज का जो ऑर्गेनिक रीच है, जो ऑटोमेटिक रीच होता है लोगों को पोस्ट डालने के बाद, वो फेसबुक ऑटोमेटिकली कम कर देता है, क्योंकि फेसबुक के एल्गोरिदम को ये पता चल जाता है कि आप एक पोटेंशियल कस्टमर हो जो बूस्टिंग करके अपने रीच को बढ़ा रहे हो, तो आपसे फेसबुक उल्टा पैसा कमा सकते हैं, तो आपको क्यों फ्री में ऑर्गेनिक रीच दे, आपको ग्रो होने दे, क्योंकि उन लोगों को पता चल जाता है कि आप पैसा डालने के लिए, आप पैसा खर्च करने के लिए रेडी हो, तो उन लोगों को एक लीड मिल जाता है। तो ये ही सिर्फ होता है कि आपका जो ऑर्गेनिक रीच है वो नॉर्मल से थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, बाकी बूस्टिंग करने से कोई भी दिक्कत नहीं है मोनेटाइजेशन के लिए। अब जो मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, ये पूछा है, फेसबुक पे पार्टनर पॉलिसी में कॉपीराइट आया है या नहीं आया है, वो कैसे पता करें? ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने जो पूछना चाह रहा था वो बराबर से पूछ नहीं पाया, मगर क्वेश्चन ये था एक्चुअल में कि अगर हम वीडियो डालें तो हमको कैसे पता चलेगा वो वीडियो कॉपीराइटेड है या नहीं।
तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन वो उन्हीं लोग पूछते हैं जिन लोगों के पास खुद का कोई कंटेंट नहीं होता है, जो लोग दूसरे के कंटेंट को यूज करके अपने पेज को मोनेटाइज करके पैसा कमाना चाहते हैं। तो ये शॉर्टकट वाले लोगों का क्वेश्चन है, इसका एक ही जवाब है, अगर आप एक क्रिएटर हो, आप खुद का कंटेंट खुद बनाते हो, तो आपको कॉपीराइट के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका खुद का कंटेंट होगा तो कॉपीराइट आएगा ही नहीं। बाकी अगर आप इधर उधर से कंटेंट लेके डालते हो, आपका खुद का कंटेंट नहीं है, तो वो सारे कंटेंट कॉपीराइटेड कंटेंट ही होता है, क्योंकि आपके पास कोई भी राइट नहीं है किसी दूसरे का कंटेंट को आपके पेज पे डालने का। मगर यहाँ पे जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, इनका मेन मोटो ये है कि फेसबुक अगर हमको पहले से बता दे वीडियो डालते ही कि ये वीडियो जो है कॉपीराइटेड है या फिर फेसबुक के एल्गोरिदम ने पकड़ लिया है, तो हम उस वीडियो को डिलीट कर देंगे और जो भी हम कचरा डालते हैं पेज पे जिस पे फेसबुक का एल्गोरिदम पकड़ नहीं पाए तो उसको रखेंगे। तो ऐसा शॉर्टकट के बारे में आप सोचो मत, एज ए क्रिएटर आप ग्रो करने के बारे में सोचो। ये सब शॉर्टकट यूज करके आप फेसबुक प्लेटफॉर्म पे अभी 2020 में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ऐसा कोई भी मतलब ऑप्शन नहीं होता है फेसबुक पे, अगर आपने रीयूज्ड अन ओरिजिनल डुप्लीकेट कंटेंट डाले होंगे आपके पेज पे, तो कभी भी आपके पेज के कोई भी पोस्ट पे जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आ सकता है और आपका कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भी लग सकता है और पेज क्वालिटी भी खराब हो सकता है और कॉपीराइट भी आ सकता है। तो यहाँ पे आप प्रीडिफाइंड मत करो कि आप कचरा डालते जाओगे जो भी फेसबुक बोल देगा उसको डिलीट कर दोगे, ऐसा शॉर्टकट नहीं है। तो अगर आपको प्लेटफॉर्म पे काम करना है, एज ए क्रिएटर काम करो, खुद का ओरिजिनल कंटेंट बनाओ और खुद डालो, कॉपीराइट के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं आएगा, नौबत ही नहीं आएगा ऐसा। उसके बाद जो आज का फिफ्थ क्वेश्चन है वो है, पेज नेम को चेंज करने पे कोई इशू होगा, और उसी के साथ पूछा है पेज को मर्ज करने पे कोई इशू होगा। पेज नेम को चेंज करने में और पेज को मर्ज करने पे दोनों ही केसेस पे मैक्सिमम टाइम पे इश्यूज आते हैं। इश्यूज क्या आते हैं, जैसे ही आप पेज को मर्ज करोगे या पेज नेम चेंज करोगे तो पेज जो है मैक्सिमम केसेस पे अनपब्लिश्ड कर देता है फेसबुक। तो मेरा सजेशन पर्सनली आप लोगों को ये रहेगा, आप सबसे पहले पेज बनाने की पहले सोचो पेज का नाम होना क्या चाहिए, पेज बनाने के बाद में मत चेंज करो, और पेज को कभी भी जिंदगी में मर्ज मत करो। अगर आपको जल्दी ग्रो होना है, 2-3 फेक पेज बना लिया और बाद में सोच रहे हो उसको मर्ज करके आप पैसा कमाओगे, तो वो शॉर्टकट कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। 100% आपका पेज जो है वो अनपब्लिश्ड हो जाएगा, मैं लिख के दे सकता हूं आपका पेज अनपब्लिश्ड हो जाएगा, क्योंकि 99.99 केसेस पे मैं ऑलरेडी प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर चुका हूं, इसीलिए आप लोगों को सजेशन दे रहा हूं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि सर अगर मेरा पेज का थीम, मेरा पेज का ऑडियंस, मेरा पेज का नेम, मेरा पेज का मोटो सब कुछ सेम है, तो हम पेज को नेम चेंज क्यों, मतलब नेम चेंज करें तो दिक्कत क्या है या फिर पेज को मर्ज करें तो दिक्कत क्या है। सबसे पहले अगर आप पेज का नेम चेंज कर रहे हो तो ऐसा नेम चेंज करो जिससे आपके ऑडियंस, आपके पेज का थीम और आपके पेज के कंटेंट पे कोई भी ट्रांसपेरेंसी में चेंजेस ना आए, फेसबुक को लगे ये ऑथेंटिक पेज नेम चेंज हो रहा है, उस केस पे कोई भी पंगा नहीं होता है। मगर मैक्सिमम लोग ऐसा अनशंड पेज नेम चूज करते हैं, जेनरिक पेज नेम चूज करते हैं, जैसे पहले पेज था पॉलिटिकल पार्टी के लेके पॉलिटिकल डिसीशन, पॉलिटिकल न्यूज पे बात करता था, अचानक से उस पेज को नेम चेंज करके बना दिया है टेक्निकल पेज, टेक्निकल नेम। तो यहाँ पे ना तो कोई ऑडियंस से मैच हो रहा है, ना तो कोई ट्रांसपेरेंसी है, ये सिर्फ और सिर्फ आप फेक काम करने की कोशिश कर रहे हो। जिस केज पे पेज नेम चेंज करने पे आपका पेज का जो इशू है वो आएगा ही आएगा, पेज अनपब्लिश्ड हो जाएगा। और उसी के साथ जो मैंने बोला था थीम वगैरह कैटेगरी ये सब मैच नहीं होता है, ऑडियंस मैच नहीं होता है, जिसके वजह से पेज को मर्ज करने के बाद मैक्सिमम पेज अनपब्लिश्ड हो जाता है, उसके बारे में भी आपको सोचना है। बहुत सारे लोग अपने पेज को पहले प्रोफाइल को पेज पे चेंज करते हैं और तुरंत वो अनपब्लिश्ड हो जा रहा है, क्योंकि पेज पे चेंज करने से पहले जो प्रोफाइल रहता है वो कचरा वाला कंटेंट डाल के रखता है। आप कचरा इन द सेंस जो कंटेंट फेसबुक पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, रूल्स रेगुलेशन को मान के नहीं होता, वो सारे कंटेंट डाला जाता है और जैसे ही प्रोफाइल को पेज पे चेंज करता है तो इशू आ जाता है 100%। और उसी के साथ जो मर्ज करने वाले पेज होते हैं वो
लोग फेक फॉलोअर गेन करके रखता है और फिर दोनों पेज को मर्ज करने के लिए जाता है, जिस पे ना तो ऑडियंस, ना तो कैटेगरी, ना तो पेज का नाम या फिर पेज का थीम मिलता जुलता है, मगर उन लोगों को लगता है कि नहीं, मेरा पेज का ये जो नाम है और ये जो नाम है दोनों का नाम सेम है और मैं दोनों पे ही एक तरीके का पोस्ट डालता हूं। मगर पोस्ट डालने से क्या होगा, आप फेक ऑडियंस बना रहे हो दोनों पेज पे, फिर आप मर्ज करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये आप गुमराह करने की कोशिश करते हो फेसबुक एल्गोरिदम को, फेसबुक प्लेटफॉर्म पे, जो कि आप सोचो भी मत 100% आपका पेज जो है वो अनपब्लिश्ड हो जाएगा जैसे ही आप मर्ज करने की कोशिश करोगे। तो कभी भी मर्ज करने के बारे में मत सोचो और पेज का नाम प्री डिफाइंड होके ही आप पेज का नाम रखो, ताकि आपको लेटर वन चेंज करने की जरूरत ही ना पड़े। ये मैंने इतने बार रिपीटेडली आप लोगों को बताया क्योंकि ये आज के डेट में एक बिग इशू हो रहा है क्रिएटर लोगों के नॉलेज के कमी के वजह से। तो आशा करता हूँ आज का ये एपिसोड आप लोगों के लिए काफ़ी नॉलेजेबल और हेल्पफुल रहा है। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना, और अगर आप चाहते हो नेक्स्ट एपिसोड पे आपका क्वेश्चन पिक हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जाना, ताकि आपका क्वेश्चन नेक्स्ट एपिसोड पे मैं सोल्यूशन के साथ बताऊँ। तो आज के इस एपिसोड पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम कर दोस्तों, बाय।